तो अब देखो यहाँ पर क्या है, शुभ अशुभ भूमि परीक्षा कहा है, हस्तमात्रम खनेत खातम जले नैव प्रपूरयेत और पूरिते वास्तुकर्ता च गच्छेत पदशतम पुनः समागत्यांबसाम वृद्धि दृष्ट्वा वृद्धि अनुत्तमा समेपि स्यान् महावृद्धि क्षये क्षय मथा दिशेत। जिस भूमि में वास्तु का विचार करना हो, उस भूमि का परीक्षण यदि करना है तो शुभ है अथवा अशुभ है, तो उस भूमि में एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा गड्ढा करके, खात बना करके, गर्त जल से उसे भर दो और वास्तुकर्ता वहाँ से जो व्यक्ति परीक्षण कर रहा है वो 100 पद चले, पहले 100 पद जाए और फिर पुनः 100 कदम वापस आए। यदि खात में जल बढ़ जाए तो अत्यंत वृद्धि होगी वहाँ पर, भूचित्र बनाने पर, भूखंड को उपयोग में लेने पर, और यदि जल ना बढ़े ना ही घटे तो वृद्धि देने वाली होती। यदि कुछ जल घट जाए तो हानि करने वाला अथवा हानि करने वाला वास्तुखंड समझना चाहिए, भूखंड समझना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक विशेष कह है, गृह के समीप सुवृक्ष कौन कौन से होते हैं, यत्र तत्र स्थिता वृक्षो बिल्व दाढ़िम केसरा पनसो नारिकेलश्च शुभम कुर्वन्ति नित्यशा जंबीरश्च रसालश्च रंभा सेपा सेफालिकास्तथा निम्बाशोक शिरीसाश्च मल्लिकाद्या शुभप्रदा। बेल, दाढ़िम, केसर, नागकेसर या मौलसरी, कटहर, नारिकेल, ये वृक्ष सर्वत्र शुभ होते हैं। नींबू, आम, केला, संगारहार, नीम, अशोक, शिरीष और मल्लिका, ये वृक्ष घर के समीप शुभ होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं वृक्ष, थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखो थोड़ा सा घुमाना होगा हमें, ये है कौन सा बिल्व वृक्ष, ठीक है, ये अपना कौन सा वृक्ष है, बिल्व वृक्ष सबसे ऊपर, ये बिल्व वृक्ष है। इसके बाद दूसरा अपना कौन सा, मल्लिका वृक्ष है, ये मल्लिका है। तीसरा ये है रंभा अथवा कदली, ये है पनसफल, पनसफल मतलब वहाँ पर कटहल, और ये है दाढ़िम फल मतलब आम, नाग केसर और ये नारिकेल। ये वृक्ष जो होते हैं घर में रोपणीय होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो सेफाली वृक्ष मतलब ये हर श्रृंगार को यहाँ पर सेफाली वृक्ष कहा जाता है, ये वृक्ष भी शुभ होता है। बाकी यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो तो आप लोग जानते हैं, नींबू, अशोक, शिरीष, मल्लिका, ठीक है, ये जो हैं, ये मल्लिका हम पीछे देख रहे हैं, तो ये वृक्ष भी घर के समीप शुभ होते हैं। अब अशोक वृक्ष देखो, मालती चैव चंपाम च केतकीं कुंदमेव च मुनिवृक्षम ब्रम्र वृक्षम वर्जयेत गृह सन्निधौ तिंतलीको वटास प्लक्षा पिप्पलश्च सब सब सकोटरा क्षीरी चे कंटकी चैव निषिद्धास्ते महीरुहा। अब देखते हैं अशुभ वाले वृक्ष कहाँ है, गृह अशुभ वृक्षा जैसे मालती, इसके बाद केवड़ा, फिर कुंद पुष्प और अगस्त्य पुष्प, इसके बाद कांटेदार वृक्ष और दूधिया वृक्ष जिनसे दूध निकलता हो, ये वृक्ष हमेशा घर में अशुभ होते हैं घर के समीप लगाने पर, ठीक है। देखो मालती, चंपा, केवड़ा, केवला मतलब केवड़ा, कुंद, अगस्त, ब्रह्म वृक्ष, ये घर के समीप वर्जित हैं। तेतर, बड़, पाकड़, पीपर तथा खोधर वाला वृक्ष खोट, और जिसमें दूध आता हो ऐसे वृक्ष भी घर के आसपास नहीं रहना चाहिए। अब क्या है, वृक्ष प्रसादिनी छाया संचन्नम यदि मंदिरम अचिरेण कालेनो उद्वासम जायते ध्रुवम। तो यहाँ कहा कि वृक्ष की छाया यदि सर्वदा दिन भर घर पर पड़ती हो, वहाँ शीघ्र ही उपट कर मतलब वहाँ छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना पड़ता है, इसलिए ऐसे स्थान पर वास नहीं करना चाहिए। फिर कहा प्रथमांतयामवर्जियम च द्वित्री प्रहर संभवा छाया वृक्ष ध्वजादीनाम सदा दुख प्रदायिनी। प्रथमा और चतुर्थ प्रहर को छोड़कर, प्रथम और चतुर्थ प्रहर को छोड़कर दूसरे और तीसरे प्रहर में वृक्ष अथवा ध्वजा
आदि की छाया मकान पर पड़े तो वह अशुभ होती है। अब हम गृह कर्म जो है, गृह प्रवेश आदि, वो अगले वीडियो में देखते हैं।